اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق العظيم it is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math my name is Sartar अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट आज हमारा लास्ट लेक्चर है सेट बी का चैप्टर नंबर 9 है आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट बिजनेस मैथ का माइंड एंड सिस्टम चैप्टर का चलता हूँ जो आपने चार क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन को सिलेक्ट किए ये आपको सारे क्वेश्चन किए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने कहा चलें ये चार क्वेश्चन में से कोई दो क्वेश्चन मैं आपको करके इस चैप्टर का मैं वाइंड अप कर देता हूँ इससे पहले करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं डियर कि मैथ हो स्टैट हो इकोनॉमिक्स हो अकाउंटिंग हो सारे लेक्चर आपको ताहिर लर्निंग नाम से मिल रहे हैं माशाल्लाह स्टैट मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टैट के जो लेक्चर्स आएंगे बेटे वो आपके पास 5 साल पेपर जो होंगे उसके लिए मैं बनाऊँगा वो डेफिनेशन भी हो सकती होंगी साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा ठीक है तो चलता हूँ आप अपने क्वेश्चन की तरफ अब क्वेश्चन में मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ ये मैं बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ आपको अब आपको ये याद हो चुके होंगे अजबर आपने कर लिए होंगे और आगे 2 base 1 1 0 and 1 ये आपके पास बहुत 1 1 0 1 हमने कर ली अब तो मैं भी थक गया हूँ 1 1 0 1 कर करके क्वेश्चन ही सारे किए हमने तो इसलिए तो लास्ट क्वेश्चन है जी बेटे इसका बाइनरी नंबर सिस्टम चैप्टर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू को बेटा वही 1 आएगा 1 1 1 0 1 0 and 1 ओके जी ये लाइन स्टेट कर लें जी ओके याद 2 multiply 1 1 1 0 1 0 and 1 ठीक है 2 multiply अब 0 को मल्टीप्लाई 0 0 0 किसी भी डिजिट से करें तो बेटा क्या आता है 0 आता है 3 6 7 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ओके जी ओके ये 2 ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई 1 1 1 0 1 0 and 1 यहाँ पे वैल्यू फिर यहाँ पे 0 1 multi फिर 1 1 0 1 0 and 1 यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ सब के साथ ठीक है जी क्लियर हो जाएगी आपकी बात लें जी इसकी भी ख़त्म हो गई है तो इसलिए इसको मैं चेंज कर लेता हूँ अब मैं सबको ऐड करूँगा लें जी मार्कर 1 का 1 2 यहाँ 0 और यहाँ बेटा कैरी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ 1 2 3 3 है तो 1 और बेटा यहाँ पे 1 1 2 3 11 और ये 1 1 2 3 4 2 करेंगे 0 20 आता है और ये कैरी क्लियर 2 3 4 5 5 है तो 21 1 और 2 कह रही है आपको पहले मैं करा चुका हूँ ठीक है मेरे लेक्चर देखिएगा आपको समझ आ जाएगी 2 3 4 4 है तो 0 and 20 2 3 4 फिर वही बात 0 and 2 3 है 11 and 1 0 फिर 1 और फिर ये 0 ये हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का बेटा ओके जी 9.15 जी दो क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिएगा सेम क्वेश्चन है 3 4 5 6 और ये बेस 1 2 3 4 5 6 ठीक है और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किया 1 1 1 and 1 ये 2 ये लाइन और ये मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से 1 को मल्टीप्लाई करें बेटा वही आता है तो वही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 लास्ट जी 1 1 1 1 1 and 1 ये ब्रैकेट बेटा अब ऐड कर लेते हैं इन सब को क्या आंसर आता है 1 का 1 2 and 0 and 1 1 2 3 4 4 0 20 आता है 2 3 4 5 6 30 आता है दिखाता हूँ ये करके यहाँ तो 0 फिर 0 and 3 3 4 5 6 7 7 में कितना आएगा 7 2 3 and 1 ये हो गया 1 and 3 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 वही 1 and 3 3 4 5 6 6 का हमने किया 0 and
33, 4, 5, 5 कितना आएगा करके देखते हैं, 5, 2, 2 एंड 0, यहाँ पे कितना आ गया 0 एंड यहाँ पे 2, 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 11। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था तो मैंने वीडियो बना ली, मैंने कहा चलें आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ले जी आज चैप्टर मुकम्मल हो गया, डिमांड पे था, देन अंसारी फैसलाबाद थे वो चैप्टर के पीछे लगे हुए थे, सारी चैप्टर करवा दें तो चलें बेटा आज मुकम्मल हो गया चैप्टर। तो इंशाल्लाह फिर हम अपने वही लीनियर इक्वेशन जो चल रही थी हमारी, वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेक्चर मेरे चल रहे थे, वो उन दोनों का हम साथ लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जा दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।